बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडमिशन्स। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तीन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिनमें आपके पास अप्लाई की लास्ट डेट में जस्ट आपके पास दो दिन का टाइम रहेगी। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। कम्प्लीट डिटेल आज की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पब्लिक सेक्टर की हैं जिनका मेरिट भी लो होता है, फी भी लो होती है और एडमिशन भी ओपन है, उसके हवाले से कम्प्लीट डिटेल आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो में अपडेट शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद आल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जिस पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट नंबर पर वो है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान। उसके जो बाकी तमाम कैंपसेज हैं तमाम में एडमिशन के बीएस के एडमिशन ओपन है और अप्लाई में जस्ट दो दिन का टाइम रह गया, 14 जुलाई 2023 लास्ट डेट है। बकाया तौर पर आपके जो एडमिशन है वो आपके पास पब्लिक सेक्टर में लेने का आपके पास चांस अभी मौजूद है, लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। रहीम यार खान उसके जो बाकी कैंपस हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लाजमी तौर पर जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। आपके पास दो दिन का टाइम रह गया, अगर डेट गुजर गई तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके इतने मेरिट भी इतना हाई नहीं होता और एडमिशन भी आपका ईजिली हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपको बताऊँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर मुल्तान और बाकी कैंपसिस में भी एडमिशन में के अप्लाई के लिए आपके पास दो दिन का टाइम है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन भी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और उसके तमाम कैंपसिस में एडमिशन ओपन है। आपके पास जो है वो तमाम प्रोग्राम्स में बीएस के एडमिशन ओपन है, बीएसआईटी इकोनॉमिक्स स्टैट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जोलॉजी बॉटनी तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन है तमाम कैंपसिस में। लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें, बहुत अच्छा चांस है एक लो मेरिट वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का आपके पास। थर्ड नंबर पर बात करें तो एरेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, इसमें भी एडमिशन ओपन है। आपके पास लास्ट जो है वो दो दिन का टाइम रह गया, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। एरेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में अप्लाई के लिए आपके पास दो दिन का टाइम रह गया, बीएस के तमाम प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है। इस बार एरेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में कोई एडमिशन डस्ट भी नहीं लिया जा रहा, तो आपके पास जो है आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे आपका एडमिशन बने एडमिशन मेरिट बनेगा, तो लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। इस हवाले से मजीद कोई सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ये तीन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज थी जिनके बारे में आपको बताना था, तो लाजमी तौर पर स्टूडेंट्स अप्लाई कर लें, आपके पास बहुत अच्छा चांस है एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। इन तीनों में से आप जिस सिटी से हैं अपने करीबी सिटी से देख के उसमें अप्लाई कर लें। कोई सवाल हो आपके इस के हवाले से वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। उसके अलावा स्टूडेंट्स मजीद हमारे पॉलिटिकल और क्रिकेट न्यूज़ हासिल करने के लिए आप हमारे सेकंड चैनल फरियाद व्लॉग्स को, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको जाकर विजिट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो उसको भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा स्टूडेंट्स मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।